तो हाँ भाई, क्या हाल है सबके? तो भाई वेलकम आपका मेरे चैनल पर दोबारा से, और एक नई वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कि भाई मेरे को काफ़ी कमेंट्स में आ रहा था जो मैंने टैंक टाइप वाली वीडियो डाली थी। सबसे पहली वीडियो मेरे चैनल पे है कि सबकी इशू ये है कि जो मैंने टैंक टाइप लगवाई हुई है उसमें वाटर लॉक होता होगा, एंड लोग ये कह रहे हैं कि उसमें वाटर लॉकिंग होगी, एंड देन पेट्रोल टैंक में, फ्यूल टैंक में जो है वो जो पानी है वो एंटर कर जाएगा, एंड फिर जो भी आपको पता ही है जो भी इश्यूज आने लग जाते हैं तो वो सब होगा। तो उसके लिए मैंने सबको बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आज वो शुभ मुहूर्त आ चुका है। तो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो भाई सबको पता होगा, ये है मेरी प्यारी बाइक, ना देख सकते वो स्टिकर लगवाया था हमने, और ये सब मॉडिफिकेशन वगैरह हो रखी है। मॉडिफिकेशन की मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड टू द मॉडिफिकेशंस, एंड पहले आपको पूरा एक वो दिखा देता हूँ मैं कि फ़िलहाल कंडीशन कैसी है, ये सब है। और भाई जो प्रॉब्लम आप जो बोल रहे थे वो है ये टैंक टाई जो मैंने लगवाई थी, एंड ये पूरा जो है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम थी वो लोग ये कह रहे थे कि इसमें जो इस वाले एरिया में पूरा वाटर लॉकिंग होगी, एंड जो ये फ्यूल टैंक है मेरा इसमें अंदर पानी जाएगा। तो पहले तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूल टैंक ओपन करके। ऐसे अभी बारिश के दिन है ही, एक दो दिन से बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे, तो कोई बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अगर गीला होता तो साफ पता लग जाता है। कभी कभार ये जो है ना, ये कभी कभार ब्लॉक हो जाता है, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, कभी पत्ता होता कुछ डस्ट वगैरह इसमें रहते, तो ये तो ओपन कर सकते हो आप। तो इसमें गाइस ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके इस साइड में भी यहाँ पे भी गैप है पूरे में, ठीक है। अब वो चाहे 3M की कोटिंग की वजह से है, चाहे किस वजह से है वो मुझे नहीं पता, पर इसमें पूरा टैंक के बीच, टैंक और इसके बीच में, इस प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक, मतलब कि एक दो तीन सूत का गैप रहता है। अब गैप मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज़ और भी है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो है ये कोई वो नहीं है कि मतलब कि पेस्ट नहीं हुआ ढंग से, ये गैप दिया हुआ है पानी निकलने के लिए। और लिटरली जब पानी भर, मतलब जब यहाँ पे बारिश आती है तो पानी यहाँ से होता है, यहाँ से निकलता है पानी, और ऐसे ही इधर साइड से है, इस साइड से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, इस साइड से भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, तो भाई मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं है, और अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी। तो बाकी ये साइका पार्ट से लिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और भाई बिल्कुल एक नंबर चीज़ है, बहुत जेन्युइन बंदे हैं और बहुत हेल्पफुल बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। मतलब मैं आपका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उनसे मतलब कि प्रोडक्ट अपना बाय कर सकते हैं। और अब तो और भी नए नए मतलब के प्रोडक्ट्स उनके पास डिज़ाइन वगैरह आ गए हैं, इसके ऊपर लेदर वाला वो अभी आ गया है, ये इसी के ऊपर ना लेदर का कपड़ा मतलब कि वो स्टिच करते हैं या पेस्ट करते हैं जो भी है, वो लेदर लुक में भी आ गया है, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने दो तीन चीज़ें और इसमें बाइक के लिए उनको बोली हुई है, बट वो अभी टाइम लग रहा है थोड़ा बनाने में, वो बनेगी फिर मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए गाइस शुक्रिया आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो भाई अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो आप एक कमेंट ज़रूर लिख के जाना, और अगर अभी भी कुछ इशू है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऑलवेज़ मतलब कि मुझसे पहुँच सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी पहुँच सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ गया होगा। वैसे बोर्न राइडर शुभम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो ऑल आर वेलकम।